बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 28 करेंगे और ये आपका थर्ड चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अभी हम बात करने वाले हैं कि धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शुरू करेंगे। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो उसके लिए एक रिएक्शन है, शब्द समीकरण है, धातु जमा तनु अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। इसका मतलब जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उससे लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अगर सोडियम धातु HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सिमिलरली जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके लिए ऐसा क्यों है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो कॉपर है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता। तो जब भी कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, ऐसा इसलिए। ये एक दूसरा है, यहाँ पर आता है कि कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है इसलिए वो नहीं कर पाता। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती उसमें, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन निकलनी चाहिए थी उसको ऑक्सीकृत करके वो जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं के नाइट्रोजन के उत्पाद बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। जैसे नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन सब में अपचयित हो जाता है। लेकिन दो धातु ऐसी हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, उनके नाम हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीज और मैग्नीशियम ये तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीज नाइट्रेट बनाकर साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला। उसके बाद आते हैं अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता उनकी सक्रियता के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सी हाईली रिएक्टिव है या नहीं है। तो जो भी जो शब्द समीकरण है वो है धातु, कोई भी एक धातु जमा दूसरी धातु लवण की फॉर्म में होगी, विलयन होगा उसका, तो ए धातु का लवण विलयन बन जाएगा और धातु भी बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर हम ये सेटअप करें, ये कई बार MCQs में ऐसे आपको पिक्चर दिखा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, आपने एक प्रश्न ली जिसमें कॉपर सल्फेट नीले रंग का लिया और साथ में एक लोहे की कील इसके अंदर डाल दी और तांबे का, इसके अंदर तांबे का तार लिया और आयरन सल्फेट का विलयन बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाली आयरन और कॉपर सल्फेट, तो आयरन ये फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से पता चलता है कि सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती हैं। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं के अभिक्रियाशील जांच कर पाते हैं तो सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम बता सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया हुई या न हुई। तो इसके लिए सक्रियता श्रेणी क्या चीज़ है। सक्रियता श्रेणी वो सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, घटते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। जैसे अगर मैं ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करें, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, मरकरी, पारा, सिल्वर और गोल्ड, तो जो ये ऊपर वाली हैं, जितनी भी धातुएं ऊपर हैं, ये सारी की सारी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं। फिर उनकी अभिक्रियाशीलता कम हो रही है, फिर सबसे कम हो रही है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं सिल्वर और गोल्ड, और सबसे ज़्यादा होती है पोटाशियम और सोडियम जो हवा और पानी के साथ आग पकड़ लेती हैं। तो मैग्नीशियम से की से शीशे तक की धातुएं, मैग्नीशियम से पारा लेड तक, यहाँ तक इसकी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और कॉपर से सोने तक की धातुएं, यहाँ तक ये अभिक्रिया नहीं करती हैं किसी भी पदार्थ के साथ। यही कारण होता है कि सोने जैसी धातुएं आसानी से संरक्षित नहीं होती हैं और ऑक्साइड भी नहीं बनाती हैं, इसलिए सोने की ज्वेलरी का बनाना संभव है। अदरवाइज़ अगर जंग लग जाता है तो वो सोने की चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं हैं वो आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं, और हाइड्रोजन एक ऐसी अधातु है
जिसमें लेकिन एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में सहायक होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार होता है कि हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है, जब हम धातु की क्रियाशीलता है क्योंकि वो उसको हेल्प कर रही है, धातु की सक्रियता में हेल्प करती है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जर्व करके करने हैं। तनु HCl अम्ल को अभिक्रियाशील अम्ल में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है। जिंक के तनु HCl के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो सिंपल है, जिंक प्लस HCl, तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से करके बैलेंस करके लिख सकते हो। क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, अगर कॉपर अगर अकेला करे तो। कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, ओके, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही आ जाएगा यहाँ पर, नाइट्रिक अम्ल नहीं है ये, सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये क्या अभिक्रिया होगी, कॉपर है वो सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है, तो ये कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बना देगा और साथ में जो सिल्वर है वो अलग निकल जाती है, तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का घोल लोहे के बर्तन में रखा होता है, कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कई छेद पाए गए, हुई प्रतिक्रिया का समीकरण बताइए। तो लोहे के बर्तन में, लोहा मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का घोल रखा आयरन के अंदर, तो इसने बना दिया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें आयरन सल्फेट कॉपर इसमें बता रखा है कि कोई धातु आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो ए बी सी डी में अलग अलग अभिक्रियाँ होंगी नहीं होंगी, इसके बाद आप देख सकते हैं समीकरण लिखेंगे। ऊपर जो ऊपर की तालिकाएं हैं जिसमें प्रयोग ए बी सी डी के संबंध में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, अगर आयरन सल्फेट के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है तो मतलब उससे कम है, कॉपर सल्फेट के साथ करती है तो उससे ज़्यादा है, तो अभिक्रियाशीलता में कॉपर और आयरन के बीच में कौन सी धातु है। अगर हम यहाँ पर देखें कॉपर और सिल्वर, दिस इज़ कॉपर एंड दिस इज़ सिल्वर, कॉपर के साथ नहीं करती, सिल्वर के साथ करती है, तो मरकरी हुई इसके अंदर, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख के बताएंगे कि ए बी सी डी में से कैसे हैं। बी धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, जो बी धातु है कॉपर सल्फेट में डालेंगे, अगर आयरन सल्फेट के साथ हो कर रही है कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा, क्रियाशीलता के क्रम में धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशील देगा, इसको आपको टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद इनके आंसर करने हैं चारों के। Now the time for the English medium students and today's worksheet is worksheet 28 and we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals and we will also discuss reactivity series. Now first of all, reaction of metal with the acids. When metal react with the dilute acid it forms salt and hydrogen gas and you can take the example of sodium and zinc that produce salt and H2O. Now copper does not react with the HCl because copper is less reactive than hydrogen, so it will not react, no displacement reaction will be there. Hydrogen gas is not evolved, very important paragraph, when metal reacts with the nitric acid HNO3 because it is a strong oxidizing agent and it oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, maybe N2O, NO or NO2. But magnesium and manganese are the two metals which react with a dilute HNO3 and which evolve hydrogen gas, and these reactions are possible in this way. Now the reaction of metal with the solution of other metal salt. So what is the word equation here? Metal A react with the salt solution of the B, then it is converted into salt solution of A plus B. For example, iron metal is reacting with the copper sulfate, then ferrous sulfate plus copper is obtained. And similarly, copper plus silver nitrate react together, they form copper nitrate plus silver. So all the metals are not equally reactive. If we check the reactivity of various metals with the oxygen, water and the acids, we find that all the metals do not react with these reagents. So first of all, we will discuss some reactivity series. And what is the reactivity series? There is a list of metals arranged in the order of their decreasing strength or activity.
दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड द गोल्ड एंड द सिल्वर आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड द वाइल्ड द मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू लेड कैन रिएक्ट विद द एसिड एंड मेटल फ्रॉम द कॉपर टू गोल्ड आर हाईली अनरिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस इन द नॉर्मल कंडीशंस. दिस इज द रीजन वाई द मेटल्स लाइक गोल्ड डू नॉट गेट कोरोड इजिली बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड्स. While metals such as zinc, aluminium, magnesium and calcium, they also form oxide radially because they are highly reactive than these. Hydrogen is a known metal, very very important part of this reactivity series. Hydrogen is a known metal that still it has been included in the reactivity series as it helps in comparison of reactivity of metals. So it is placed in the reactivity series. Now let's do some practice of these questions. These questions are very very important. First, which gas is produced when the dilute HCl is added to the reactive metal? Then it produces hydrogen gas. Then you can write the reaction zinc plus HCl. It is converted into zinc chloride plus hydrogen gas. So you can write this reaction. Second question, what happens when the copper reacts with the silver nitrate? Then this is the reaction copper and silver nitrate. You can write here. Copper nitrate plus silver. A solution of copper sulfate was kept in the iron pot and after a few days the iron pot was found to have number of holes in it. Write the equation of the reaction that took place. So reaction will be iron plus copper sulfate. You can write this. Now you have to study this table and answer the following question about metal A, B, C, D. Then you can check your understanding which one is the most reactive one. You can take the help of the reactivity series and on the basis of the reactivity series, you can identify all these questions. I hope you understand the concept of chemical properties of metals and non-metal. Keep watching Super Vigyan.